नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओप्पो E53 का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। ओप्पो की तरफ से लॉन्च किया गया लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन है ये। फोन के मेजर फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलता है 90 हर्ट्ज का न्यू डिस्प्ले, 18 वॉट फास्ट चार्जर, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 5000 एमएएच की बैटरी, 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाले की प्राइस है 12990 और 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले की प्राइस है 15490। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स के अंदर मिलता है ये ओप्पो E53 स्मार्टफोन। पीछे यहाँ पे ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। 5000 एमएएच बैटरी होने की वजह से आपको ये स्लाइटली हैवी लग सकता है। और यहाँ इसमें है ये कुछ पेपर वर्क और एक सॉफ्ट प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बैक कवर। ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर और जो लास्ट पीस है वो है ये टाइप सी चार्जिंग केबल। तो बस बॉक्स में इतना ही है और 15500 की प्राइस में। सैडली बॉक्स के साथ कोई ईयरफोन नहीं दिया गया है। तो फोन को मैंने पावर ऑन कर लिया है और कलर ओएस यूआई इस फोन में दिया गया है। लेट्स गो टू सेटिंग्स, अबाउट फोन। यहाँ आप देख सकते हैं कि कलर ओएस वर्जन जो है वो है 7.2, एंड्रॉयड वर्जन है 10। प्रोसेसर इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 दिया गया है। 6 GB रैम है और 128 GB में से आपको 111 GB इनिशियली फ्री मिल जाता है। 720p डिस्प्ले इस फोन में दिया गया है, लेकिन ब्राइटनेस और क्लैरिटी जो है डिस्प्ले की काफ़ी अच्छी है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने यह है 6.5 इंच का HD+LCD IPS डिस्प्ले, जिसका पिक्सल रिजोल्यूशन है 720x1600 pixels का। इसके अलावा डिस्प्ले का कॉर्निंग और अलग अलग तरीके प्रोटेक्शन दी गई है और साथ ही यहाँ पे एक स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगाया हुआ है। डिस्प्ले के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 16 MP का AI सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन के लेफ्ट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है। राइट साइड में सिम ट्रे दी गई है, जिसमें आप 2 सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम रॉकर है। नीचे की तरफ ये 3.5 mm हेडफोन जैक है, मेन माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और मेन स्पीकर। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। और पीछे की तरफ ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 30 MP का है, 2 MP डेप्थ सेंसिंग के लिए और 2 MP मैक्रो शॉट्स के लिए है, और ये फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की तरफ दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन के दोनों बायोमेट्रिक्स के, यानी कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर के। तो दोनों का रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट था और सिमिलरली दोनों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। दोनों से ही फोन जो है इमीडिएटली अनलॉक हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही सेंसर से क्विक रेस्पॉन्स आपको मिलता है। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इस फोन के जो दोनों बायोमेट्रिक्स हैं वो फास्ट और रिलायबल हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फोन का डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस, कलर, सेचुरेशन, व्यूइंग एंगल वगैरह सब कुछ काफ़ी बढ़िया है। वीडियोज वगैरह देखने में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होने की वजह से डिस्प्ले और भी ज़्यादा स्मूथ लगता है और फ़ोन को यूज़ करने में भी फ़ोन काफ़ी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगता है। स्पेशली जब हम कुछ स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉलिंग एकदम फास्ट लगती है और काफ़ी स्मूथ लगती है। कैमरे का यूज़र इंटरफेस आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर में यहाँ मैक्रो और टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसे वीडियो मोड में स्विच करते हैं और सेटिंग्स में जाके देखते हैं। सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आप 1080p वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। यहाँ पे आपको सैंपल शॉट देख सकते हैं। मैं ज़्यादा फोटोज क्लिक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इनिशियल इंप्रेशन की बात करें तो इस फोन का कैमरा मुझे डिसेंट लगा है। नॉर्मली ओप्पो के फ़ोन के कैमरास अच्छे होते हैं और इस फोन में भी आपको गुड इनफ वाला कैमरा मिल जाता है। सो ओवरऑल इंप्रेशन की बात की जाए तो लगभग 15,500 रुपये में आने वाले इस फोन में दो चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। एक तो इसका बैटरी बैकअप और दूसरा इसका डिस्प्ले। कैमरा जो है वो एवरेज है, मैं बोलूँगा कि एक्सेप्टेबल है, लेकिन इस फोन का जो वर्स्ट पार्ट है वो है इसका प्रोसेसर जो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर। बहुत ही मेडियोकर, बहुत ही एवरेज प्रोसेसर है। ज़्यादा गेमिंग वगैरह की एक्सपेक्टेशन भी इस फोन से आप नहीं रख सकते हैं। स्पेशली इस प्राइस को ये प्रोसेसर कैसे भी जस्टिफाई नहीं करता है। या तो इस फोन की प्राइस जो है वो 2000 या 3000 रुपये कम होनी चाहिए थी तो इस फोन को हम जो है वैल्यू फॉर मनी कह सकते थे। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया है शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स तलवंडी कोटा ने, जो कि एक मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। यहाँ पे आप लीडिंग ब्रांड्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन और गैजेट्स चेकआउट कर सकते हैं और उन्हें खरीद सकते हैं बेस्ट प्राइस पर। सो प्लीज विजिट द स्टोर। तो दोस्तों ये था ओप्पो A53 का अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।